आ रहा हूं मैं आपके पास एक बार फिर से, बस बात इतनी है कि असदुद्दीन अवैसी वैसे संविधान की बहुत बातें करते हैं और बतौर बैरिस्टर मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूं, लेकिन जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ाई लड़ने की बात आई और बीजेपी कह रही है कि जब आपको आपका किला ढहता हुआ दिख रहा है तो आप आ गए 6 दिसंबर वाली बात पर। अरविंद जी कुछ कह रहे हैं, अरविंद जी ये वाकई में इस तरह का चुनाव हो गया कि हैदराबाद में कि असदुद्दीन अवैसी को पूरी तरह से पोलराइज करके वो चुनाव लड़ना पड़ रहा है कि भैया मुस्लिम मेरा साथ दीजिए नहीं तो आपके साथ कल क्या अत्याचार होने वाला है ये आपको भी नहीं पता, ये डर दिखा करके अवैसी इसलिए चुनाव लड़ रहा है। देखिए अनुराग जी, अवैसी का बयान दिखा रहा है कि अंदर से वो डरे हुए हैं जी और डर बेच रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और वैसे भी असदुद्दीन अवैसी पूरी जीवन अपना हिंदू मुसलमान करते रहे हैं, वो बात बात में भारत की संविधान की दुहाई जरूर देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई जरूर देते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मुस्लिम एकता के लिए राजनीतिक संगठन चलाते हैं MIM। और दूसरी बात मैं कहूं, असदुद्दीन साहब वो व्यक्ति है जिनका परिवार और जिनकी पार्टी भारत के आजादी के समय इस बात का आंदोलन चला रही थी कि हैदराबाद का विभाजन पाकिस्तान में होना चाहिए और हैदराबाद पाकिस्तान में मिलने पर ज्यादा सुखी रहेगा। यदि दुर्भाग्य से हैदराबाद का विलय पाकिस्तान में हुआ होता तो हैदराबाद के मुस्लिम बहन बेटियां उनकी हालत वैसे ही होती जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बहन बेटियों की है, और हिंदू जनता जो है CAA का इंतजार कर रहा होता। मैं पूछना चाहता हूं किस मंदिर गिराने की बात कर रहे हैं, बाबरी ढांचा जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मस्जिद नहीं मानता है, असदुद्दीन अवैसी की हैसियत कहां से आ जाती है, किस संविधान के तहत और किस लोकतंत्र के तहत उसको मस्जिद बताते हैं, ये कहां का नियम है। सुप्रीम कोर्ट भी उसको कहता है कि वो बाबरी ढांचा था, वो मस्जिद नहीं था, वहां नमाज अदा नहीं किया जाता था, लेकिन बार बार मुसलमानों को भड़काने के लिए उसको मस्जिद कहा जाता है, वो मस्जिद नहीं था, विवादित ढांचा था जिसको वहां एकत्रित आक्रोशित समुदाय ने उड़ा दिया, गिरा दिया। आप उसको किस आधार पे कहते हैं, किस बिना पे कहते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कभी मस्जिद नहीं माना है उसको ओबीसी कैसे मस्जिद मानते हैं, ये देश किसको मानेगा, ओबीसी को मानेगा या देश के सर्वोच्च न्यायालय को मानेगा और दानिश भाई के बात। लेकिन अरविंद जी बड़ा दिलचस्प ये है कि जब भी असदुद्दीन अवैसी से बात कर लीजिए, दानिश भाई से बात कर लीजिए, बड़ा चिंतित होते संविधान को लेकर। मैं इस पर बात करूंगा अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। दानिश भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अजहरी साहब मैं माफी चाह रहा हूं, आप पहले हाथ उठा चुके थे लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि इस पर पूरे सारे गेस्ट का रिएक्शन हो जाए। मुझे आप बताइए सर, क्योंकि आप मुस्लिम विचारक के बहुत अच्छा सोचते होंगे मुस्लिम पंथ के लिए, तो अजहरी साहब आपको कैसा नेता चाहिए जो डर के हिसाब से सियासत करे वो, या जो मुस्लिमों को आगे बढ़ाने की बात करे। मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि ओवैसी कह रहे थे कि पंचर वाला पिछली सरकारों ने ही बनाया, लेकिन इस पंचर वाले को कैसे वो मुख्य धारा में लाएंगे इसकी बात ओवैसी इस बार के चुनाव में नहीं कर रहे। देश के हालात क्या है या आपके सामने है, इतनी बड़ी घटना जो एक संसद में जाने की तैयारी करने वाली महिला वो तीर दिखा रही मस्जिद की जानिब, और यहाँ पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी से लेकर के विजय शंकर तिवारी से लेकर के अरविंद सिंह तक उसका पक्ष ले रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? यहाँ पर कोई मुसलमान होता तो अब तक आप आतंकवादी कह देते, वो किसी मंदिर की जाने वगैरह ऐसा कर लेता। देश के हालात ऐसे है कि प्रधानमंत्री से लेकर के और गांव के प्रधान तक जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो परेशान है कि उन्होंने इतना बवंडर मचाया के प्राण प्रतिष्ठा के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं, राम मंदिर के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं। हाँ। तो कोई उनकी बातों में नहीं आ रहा है, बहकावे में नहीं आ रहा है। अरे तो देश ओवैसी साहब भी तो 6 दिसंबर के नाम पर वोट मांग रहे हैं ना, देश शांत है विकास। नहीं नहीं अजहरी साहब, ओवैसी साहब भी तो 6 दिसंबर के नाम पर वोट मांग रहे हैं ना सर। ओवैसी साहब की बात को आप कैसे पेश कर रहे हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ओवैसी साहब ने कहा कि हालात 6 दिसंबर जैसे पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई शक है क्या? आप मस्जिद के सामने अपनी रैली में तीर दिखाने का मतलब क्या है? ये तो अच्छा, मैं तीर वाले बयान पर मैं तीर वाले पूरे घटनाक्रम पर अनिला जी से ही पूरा जवाब ले लूंगा।
लेकिन मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि वो अगर राम मंदिर पर वोट मांग रहे तो गलत है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 6 दिसंबर का डर दिखाकर यूसीसी और एनआरसी के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं वो ठीक है, ये डर दिखाकर वोट मांगना ठीक है? संकट में नहीं आता है आपका, मतलब संकट में आ जाता है 2 मिनट में। अभी आप कह दोगे सरकार आपकी है, हाकिम आप है, सब कुछ आप है, और आप हम पे आप इल्जाम 2 मिनट में लगा दोगे? मुझे एक बात बताइए, नहीं एक मिनट अजहरी साहब, मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। अजहरी साहब, प्रधानमंत्री को मैंने इंटरव्यू में सुना, वो कह रहे थे कि इससे पहले भी मौके रहे जब पूर्ण बहुमत थी दोनों सदनों में, बीजेपी कई बिल पास करवा सकती थी, तो अब तक संविधान की किस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने डिमोलिश कर दिया या मुस्लिमों को किस चीज से परे रख दिया गया? नहीं नहीं नहीं, हर जगह मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ है, हर लेवल पर हुआ है। प्रधानमंत्री जी आज जो वजीर आजम की इतनी बड़ी कुर्सी, देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स, ठीक है अनिला जी, के नाम से बोर्ड मांग रहा है, फिर मैं विजय जी के पास जाऊंगा, फिर दानिश भाई प्लीज। अनिला जी कर रहा है अपने, नूर अहमद साहब आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं ना, कोई और नहीं हो सकती, सुन लीजिए नूर अहमद साहब आप उत्तर प्रदेश से आते हैं ना, तो ओवैसी साहब को आपने जिता क्यों नहीं दिया यहाँ पे, तो वो बारम्बार चुनाव लड़ते हैं, आप लोग इतनी बुरी तरीके से उनको क्यों हराते हैं? मुख्तार अंसारी का अंतकाल हुआ, ओवैसी जो है उनसे मिलने जाना चाह रहे थे उनके परिवार से, उनके परिवार ने मना कर दिया। तो मुझे बता दीजिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ओवैसी से इतनी परहेज क्यों है, इतनी एलर्जी क्यों है? और अब आप यहाँ पर पैनल पर बैठकर फॉर द हेक ऑफ से, ये अनिला जी आप गलत बोल रही हैं, आप यहाँ पर बैठकर गलत बोल रही हैं अनिला जी, अगर ओवैसी से इतनी मोहब्बत होती तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान उनके साथ खड़े क्यों नहीं है भाई? पार्टी के प्रवक्ता नहीं है उसके लिए दानिश भाई जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। मैं सरस्वती ओवैसी की सही बात होगी तो दंगे की चोट पर बताऊंगा कि सही बात है, अब आपसे कह रहा हूं मैं जिस तरह से हैदराबाद का माहौल खराब करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, ये देश के अमन के लिए खतरा है, देश के अमन के लिए चाहते हैं, ये किसी को नीचे नूर अहमद उंगली नीचे आराम से बात करो, आप अध्यक्ष हो ना उत्तर प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, तो आप मुझे बताते हैं उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो है ओवैसी के साथ क्यों नहीं खड़े होते? बात बना रहे हैं ओवैसी के साथ आप सब खड़े नहीं होते हैं? जब जब जहाँ जहाँ ओवैसी जाते हैं उत्तर प्रदेश में अपनी मुट्ठी खाते हैं, आज बैठकर आप शर्मा लगने लग गए क्योंकि वहाँ पर एक महिला प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की, नफरत है, इतना जहर है आपके मन में, इतना जहर है आपके मन में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के लिए, आकर यहाँ पर जहर कर रहे हैं अजहरी साहब। एक बहुत छोटी सी चीज मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अनिला जी, फिर मैं चाहूंगा कि आप कंक्लूड करें, ठीक है अनिला जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। अजहरी साहब प्लीज अजहरी साहब प्लीज सुनिए ना, मैंने तो मुस्लिम तबके के हित की बात कही थी, मैंने कहा था कि अगर वो पंचर वाले के स्तर से ऊपर आ जाएंगे तो ये तो आप लोगों के लिए भी अच्छा है, जो आप धर्मगुरु होते हुए या उलेमा होते हुए या मुस्लिम विचारक होते हुए चाहते हैं, ठीक है। मैं आ रहा हूं विजय जी आपके पास बहुत जल्दी से, मुझे दानिश भाई ये बताइए कि 25 साल से सांसद हैं, अपने काम गिना देते, अपने आने वाले वक्त के पूरे रोडमैप को बता देते तो भी वोट मिल जाता, इतने लोकप्रिय हैं सांसद साहब, लेकिन फिर क्या माधवी लता वाला फैक्टर ही क्या मजबूर कर देता है कि 6 दिसंबर याद दिलाए? देखिए मैं आपकी बात का जवाब दूं, सबसे पहले तो अरविंद जी ने जो सुप्रीम कोर्ट के नाम से जो टिप्पणी की है मुझे लगता है वो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि वहां कोई मंदिर नहीं था और बाबरी मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई गई, झूठ बोल रहे हैं। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि वो बाहर साहब की बात की जाए तो वो अपना प्रचार और प्रसार ही कर रहे हैं और इसका इंटरप्ट मत करिए आप बोल रहे थे ना खामोश, आप सुन लीजिए अब देखिए दूसरे नंबर की बात मैं बताऊं, ग्रेटर हैदराबाद के जब चुनाव थे तब खुद अमित शाह जी पहुंच गए थे, योगी जी पहुंच गए थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी की वो पहुंच गई थी, बावजूद उसके ओवैसी साहब और हमारी पार्टी के एक भी काउंसिलर को भी नहीं है जो पहले चुने हुए थे वो इस बार भी चुने हुए। उसके बाद दूसरे नंबर की बात की जाए तो 7 बार हमारे एमएलए थे जो अभी पिछले चुनाव में थे, पहले भी 7 थे, इस बार भी जीते, और अब वापस लोकसभा सांसद का चुनाव है
तो उनकी लोकप्रियता में तो इजाफा हो रहा है। माधवी लता की बात तो समाप्त पूछ रहा हूं आपसे दानिश भाई, माधवी लता कह रही है कि असदुद्दीन अवैसी तो ऐसे तो बहुत हितैषी बनते हैं, तो फिर वो मदरसों की पढ़ाई की बात क्यों करते हैं? वो ये क्यों नहीं बात करते कि कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा पढ़े और वो जाकर डॉक्टर इंजीनियर बने बड़े लेवल का? ये माधवी लता पूछ रही है, वो बोल रही पक्के मकान की बात क्यों नहीं करते हो वैसी, ये डर क्यों? अच्छा सुनिए अनुराग जी, मैं आपको बता रहा हूँ माधवी लता जी का प्रॉब्लम क्या है। वो बेचारी मुझे लगता है सियासत से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है, उन्होंने जाकर कभी देखा नहीं है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब करीब 35,000 बच्चों को एजुकेट करते हैं, उनके अपने स्कूल हैं, अपने स्कूल कॉलेजेस हैं, और तमाम बच्चों को वहां पे बच्चियों को तो फ्री में वहां पढ़ाई होती है। जाए तो सही है, एक बार जब सच्चाई से जब वाकिफ होंगे तब उनको पता चलेगा। अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो वैसी नाम से जो अस्पताल है जाकर आप देखिए कोविड में।